हेलो इंजीनियर्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग देखने वाले हैं सेंटर लाइन लेआउट, जो कि फुटिंग और कॉलम का होने वाला है। हम लोग पूरा सीखेंगे कि कैसे सेंटर लाइन लेआउट किया जाता है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कैसे ड्राइंग्स को रीड किया जाता है। तो अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ का नॉलेज नहीं है तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम ए टू जेड इस वीडियो में पूरा हर एक चीज़ सीखने वाले हैं। तो इंजीनियर, सबसे पहला जो चीज़ होता है किसी भी जो साइट में अगर आप जा करके सेंटर लाइन लेआउट कराते हैं फुटिंग का चाहे कॉलम का, तो सबसे पहला काम होता है ड्राइंग को रीड करना। ये ड्राइंग को रीड करने आपको आना चाहिए। ड्राइंग को रीड करने के लिए मैं पहले एक ले लेता हूँ ड्राइंग, जो कि आपको दिखाई दे रहा है कि मेरे हाथों में सेंटर लाइन लेआउट का ड्राइंग अभी दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले ड्राइंग को रीड करने के लिए क्या आपको पढ़ना पड़ता है, तो सबसे पहली जो चीज़ होती है किसी भी ड्राइंग को रीड करने से पहले, वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो जनरल नोट्स दिए होते हैं। जनरल नोट्स में आपको हर एक चीज़ स्पेसिफाई किया जाता है कि क्या क्या चीज़ें इस पूरे ड्राइंग में आपको एक्सेप्ट करना है, रेफरेंस लेना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो आपको सबसे पहले दिया हुआ है, द ड्राइंग शैल बी रीड इन द कंजक्शन विद द रिलेवेंट आर्किटेक्चरल ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन। सेकंड हम लोग देखते हैं, ऑल डायमेंशन आर इन मिलीमीटर अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। मतलब सिंपल ये बताना चाह रहा है कि जैसे जो भी ये ड्राइंग में दिया गया है, जितने भी इसके डायमेंशन हैं वो मिलीमीटर में आपको लेना है, जब तक कि स्पेसिफाई ना किया जाए। ऐसे और भी यहाँ पे जनरल नोट्स आपको देखने को मिलेगा कि आरसीसी के कौन से ग्रेड आपको यूज़ करनी है, कितना फुटिंग कॉलम में कितना आपको कवर प्रोवाइड करना है, ये जो डिज़ाइन किया गया है कौन से स्ट्रक्चर के लिए है, G+1 के लिए, G+2 के लिए, वैसे ये प्लॉट का साइज़ कितना है, ये हर एक चीज़ आपको इस ड्राइंग में मिलता है इसके जनरल नोट्स में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है किसी भी ड्राइंग को रीड करने से पहले देखना होता है कि ये जो ड्राइंग आपको दिया गया है वो किस चीज़ का है। इसके लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ता है इसका जो टाइटल है, ड्राइंग कौन से प्रोजेक्ट का है, ये दोनों चीज़ें। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे आपको ड्राइंग जो दिया गया है इसका टाइटल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ड्राइंग का टाइटल, जिसमें कि लेआउट प्लान ऑफ द कॉलम एंड फुटिंग फॉर द 2BHK क्वार्टर दिया गया है। वैसे सेम प्रोजेक्ट का टाइटल भी इन्होंने मेंशन किया है, जो कि प्रपोज्ड सैनिक स्कूल का प्रोजेक्ट है। सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारी ड्राइंग किस चीज की है। हम लोग देख लेते हैं इसका टाइटल बार से। हेलो इंजीनियर्स, मुझे खुशी है कि आप ट्रेनिंग कर अपनी स्किल्स बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके पास है सिविल गुरुजी के साथ इंडिया के अलग अलग लोकेशंस पर। बस आपको चूज करना है अपना नियरेस्ट लोकेशन 2 महीने की ट्रेनिंग करने के लिए, और डिस्क्रिप्शन में भी इसकी पूरी जानकारी दी गई है। आप 9111001234 पर भी कॉल करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट काम होता है वो क्या रहता है कि आपको जो ड्राइंग दिया गया है इसके हर एक पॉइंट को रीड करना। ये कैसे रीड करेंगे हम लोग, तो देख रहा होगा आपको यहाँ पे ग्रिड दिखाई दे रहा है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से वर्टिकल ग्रिड लाइंस दिख रही है। वैसे हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस भी आपको दिया गया है ABCD करके, ये आपको हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन है। तो हमारा सबसे पहला जो काम रहेगा ये रहेगा कॉलम और फुटिंग का नॉमेनक्लेचर। तो इंजीनियर्स कैसे पहचानेंगे आप कि कौन सा कॉलम कौन सा जो फुटिंग है, ये हम लोग इसको क्या बोलेंगे? आप क्या किसी को कॉल करके ये बताओगे क्या कि यहाँ पे आप दाएं मुड़ के बाएं मुड़ के जाइए और ये आपका कॉलम मिलेगा? बिल्कुल नहीं। जैसे कि आप हर एक पर्सन को उसके नाम से बुलाते हैं, नाम से आप उसको पहचानते हैं, ऐसे हमारा हर एक जो कॉलम होता है, हमारी जो हर एक फुटिंग होती है, उसको हम लोग उसके नाम से बुलाते हैं। तो ये नाम हम लोग कैसे देते हैं हर एक कॉलम हर एक फुटिंग का, ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आपको इस ड्राइंग में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ग्रिड लाइंस दिख रही है, वर्टिकल ग्रिड लाइंस 1 2 3 4 करके हैं, और सेम ऐसी हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस जो कि ABCD दिया गया है। तो ये इसका क्रॉस सेक्शन कहाँ आ रहा है, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर कॉलम से, उस पर्टिकुलर फुटिंग से, ये हमको देखा जाता है। जैसे कि अगर मैं इस पर्टिकुलर कॉलम की बात करूँ या इस पर्टिकुलर फुटिंग की बात करूँ, जो कि F1C1 आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे जैसे हम लोग देखते हैं तो वर्टिकल जो ग्रिड लाइन आ रही है 5 नंबर की, और हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन जो कि A है, मतलब कि इसका सिंपल नॉमेनक्लेचर A5 हो जाता है। ये हमको ध्यान देना पड़ता है कि ये एग्जैक्टली इसके सेंटर से पास हो रहा हो, अगर ये सेंटर से पास नहीं होता है तो ये इसका नॉमेनक्लेचर नहीं डिफाइन कर सकता। सेम एज इट इज़ अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे ड्राइंग्स हो सकते हैं, जैसे अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर फुटिंग की अगर मैं बात करूं, तो आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो राइट साइड वाली वर्टिकल लाइन है, जो कि ऊपर से अगर हम लोग देखें ध्यान से, तो 10वां नंबर ये यहाँ पे आकर के पास हो रहा है इसके सेंटर से। एज इट इज़ अगर हम लोग देखें इधर लेफ्ट साइड में, तो जो D नंबर है
ये एग्जैक्टली पास हो रहा है इसका सेंटर से, मतलब इस पर्टिकुलर जो कॉलम है, जो फुटिंग है F1C1, इसका नॉमिनक्लेचर यहाँ पे हो जाएगा D10। सिंपल है, एज इट इज़ जो है इंजीनियर्स आप समझ पा रहे होंगे कि इसका नॉमिनक्लेचर हम कैसे करते हैं। अगर नॉमिनक्लेचर आपको समझ में आ जाए तो आप इसका आसानी से सेंटर लाइन भी करा सकते हैं। क्योंकि देखो नॉमिनक्लेचर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कभी भी आप इसका कंस्ट्रक्शन कराएंगे, कास्टिंग जब हो जाएगी उसमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, चाहे अगर आपको पर्टिकुलर कॉलम की कास्टिंग करानी है तो उस पर्टिकुलर कॉलम के या फिर फुटिंग के नाम से आप इसको जानना पड़ेगा, और यही नॉमिनक्लेचर आपका आगे काम आता है। यही नॉमिनक्लेचर आप अपने सीनियर्स को बताते हैं तभी ये जा करके एग्जीक्यूट हो पाता है। तो इंजीनियर्स देख रहे होंगे पीछे हमारी साइट में यहाँ पर अभी काम चल रहा है सेंटर लाइन लेआउट का। ये सेंटर लाइन लेआउट अभी हो चुका है, और कैसे किया इन्होंने सेंटर लाइन लेआउट इसका पूरा प्रोसीजर जानेंगे आपको। जैसे मैं दिखाना चाहूँगा, ये हमारी जो ड्राइंग है इसका जो प्लॉट साइज़ है ये जस्ट राइट साइड में दिया गया है 17,800 × 12,500। ये क्या है, MM में है। पहले मैंने बताया था नोट में दिया गया था MM में इसका डायमेंशन दिया गया है। तो 17,800 हमारी ये वाली हॉरिजॉन्टल डायमेंशन हो जाएगी, और वैसे ही 12,500 वाली ये वाली हमारी वर्टिकल डायमेंशन हो जाएगी। तो इंजीनियर्स आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन से मतलब जब आप 9th-10th में थे तो पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा, जिसमें आप राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट समझते हो कि अगर यहाँ पे जो दोनों लाइन है जो कि आपस में परपेंडिकुलर है, ये अगर एग्जैक्टली 90 डिग्री पे है तो ये कैसे आता है। जब हमारा ये एग्जैक्टली जो इसका हाइपोटेनस है ये अगर फिट बैठता है, मतलब ये जो हाइपोटेनस हम लोग निकालेंगे ये कैसे निकलेगा, सिंपल है, परपेंडिकुलर और बेस अगर आपको पता रहेगा तो हाइपोटेनस आप यहाँ से निकाल सकते हैं। मतलब अगर ये हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल है ये एग्जैक्टली अगर पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करता है, दैट मीन्स कि इसमें जो भी लाइन परपेंडिकुलर होगा वो एग्जैक्टली 90 डिग्री के एंगल को इस्टेब्लिश करेगा, एग्जैक्टली 90 डिग्री पे बैठेगा। यही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग एग्जीक्यूशन के दौरान साइट में करते हैं, और साइट में करने के दौरान यहाँ पे क्या होता है, एग्जैक्टली 90 डिग्री के एंगल को हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं। तो इंजीनियर्स अभी हम लोग आएंगे साइट पे और देखेंगे कि कैसे 90 डिग्री के एंगल को इस्टेब्लिश किया जाता है। लेकिन उससे पहले हम लोग इसके इक्विपमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि सेंटर लाइन लेआउट कराने से पहले आपको कौन कौन से इक्विपमेंट के बारे में जानना पड़ता है, कौन कौन सा इक्विपमेंट आपके सेंटर लाइन लेआउट में काम आता है। ये बहुत ही बेसिक इक्विपमेंट है जो आप लोग हर बार साइट में परफॉर्म करते हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा हमारे पास यहाँ पे इक्विपमेंट्स रखा हुआ है, जिसमें कि ये हैमर है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे थ्रेड्स है, और साथ ही साथ ये टेप जो कि 50 मीटर का टेप है ये रखा हुआ है, और साथ ही साथ देख रहे होंगे यहाँ पे नेल्स है, थ्रेड्स है, ये सारे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं इस यहाँ पे सेंटर लाइन मार्किंग करने के दौरान। सेंटर लाइन मार्किंग एक्चुअली हो चुकी है, और यहाँ पे जो थ्रेड्स है उसको रिमूव किया जा रहा है। सेंटर लाइन मार्किंग हम अभी सिंपली इसका ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे थे, तो अभी जो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो कैसे किया इन्होंने तो वो चीज़ें हम लोग आकर के देखते हैं। तो सबसे पहले इंजीनियर्स अगर हम देखेंगे तो ये हमारा जो सबसे राइट कॉर्नर है आपको जैसे दिखाई दे रहा है, ये राइट कॉर्नर अगर मैं बात करूँ तो ड्राइंग में ये वाला हमारा राइट कॉर्नर है। ये सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं एज अ रेफरेंस लेते हुए, जो कि हम लोग रेफरेंस जैसे अगर हम यहाँ पे दिखाएं तो यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, यहाँ से एग्जैक्टली अगर हम लोग देखें तो 10 मीटर के इंटरवल में ही लिया गया है। उसके बाद में ये जो रेफरेंस लेने के बाद में हम लोग क्या किए, तो नेक्स्ट वाला जो नेल आपको दिखाई दे रहा है, सबसे लास्ट वाला जो नेल रहेगा वो कितने मीटर के डिस्टेंस पे होगा, तो हम लोग अगर देखें तो ये जो सबसे लास्ट वाला नेल है यहाँ पे लगेगा एग्जैक्टली, और इसका जो डिस्टेंस है आपको पहले ही मेंशन है कि 17,800 का प्लॉट है, इसका मतलब 17.8 मीटर के डिस्टेंस पे इस वाले नेल को हम लोग मार्क कर देंगे। मतलब रेफरेंस पॉइंट का आपका जो दोनों नेल है वो सबसे पहले क्या होगा, आप मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद में आपको जो नेक्स्ट पॉइंट होता है ये वाली पॉइंट जो कि एग्जैक्टली इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, इसको प्लॉट करना पड़ता है, और इसकी प्लॉटिंग एग्जैक्टली हम पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हुए करते हैं। अब ये कैसे किया जाता है तो मैं आपको जैसे दिखाऊं, ये दोनों पॉइंट हमने पहले इस्टेब्लिश कर दिए, तो एक जो पर्सन होगा वो यहाँ पे रहेगा इस वाले पॉइंट पे, और एक जो पर्सन होगा इस वाले पॉइंट पे होगा। तो इस वाले पॉइंट पे जो पर्सन है वो टेप की जीरो रीडिंग पकड़ के खड़ा होगा, उसके बाद जो नेक्स्ट पर्सन है वो टेप के बीच वाले पॉइंट पे कहीं पे पकड़ के खड़ा रहेगा, देन थर्ड जो पर्सन है वो इन दोनों रीडिंग्स को ऐड करते हुए, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे परपेंडिकुलर हम लोग गए और ये हाइपोटेनस है, मतलब एक हमने पाथ जो है यहाँ पे ट्रैवल किया, तो इस पाथ को ट्रैवल करने में जितना टोटल डिस्टेंस आएगा, जस्ट लाइक मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पे जो आपको 9 मीटर दिख रहे हैं, हाइपोटेनस अगर ये 10 मीटर होगा तो टोटल 19 मीटर ऑलमोस्ट हो जाता है। तो 19 मीटर की टेप की रीडिंग पकड़ के इस वाले पॉइंट पे एक पर्सन जो है खड़ा रहेगा, सेकंड पर्सन जो होगा क्या, यहाँ से हमको मिला था 9 मीटर की रीडिंग, तो 9 मीटर एग्जैक्टली यहाँ पे पकड़ गए, तो एक पर्सन जो है खड़ा रहेगा। और क्या होगा कि ये दोनों पॉइंट हमारी फिक्स है, यहाँ पे जीरो रीडिंग और ये 19 मीटर वाली रीडिंग पॉइंट जो है फिक्स है एकदम, तो उस दोनों पॉइंट के जो भी पर्सन होंगे वो मूव नहीं कर सकते, सिर्फ मूवमेंट अलाउ होता है इस वाले पर्सन को जो कि थर्ड पॉइंट पे टेप की 9 मीटर की रीडिंग लेकर के खड़ा रहेगा।
उसको एग्जैक्टली मूव करना है, और मूव करते हुए वो जो भी आपका जो टेप है एग्जैक्टली वो क्या करेगा, जहाँ पे भी उसको टाइट फील होता है वहाँ पे वो मार्क कर देगा। इस तरीके से हमारा ये जो वर्टिकल लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है ये एग्जैक्टली वहाँ पे पॉइंट हो जाता है। तो अगर ये हमारा एग्जैक्टली 90 डिग्री में हम लोग अगर जब वर्टिकल लाइन प्लॉट कर दिया एज इट इज़, सेम तरीके से हम लोग यहाँ पे ये वाला जो लाइन होता है इसको भी प्लॉट कर देते हैं। दोनों पॉइंट मिल जाने के बाद ये वाली जो लाइन है इसको डायरेक्टली थ्रेड के माध्यम से मिलाते हुए इसको जो भी हमारा ये बॉर्डर है ये एग्जैक्टली प्लॉट कर लिया जाता है। बॉर्डर्स प्लॉट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, आपको जैसे ड्राइंग में दिखाई दे रहा होगा कुछ कुछ रीडिंग्स 1100, 525, 2375 mm की रीडिंग है, ये एग्जैक्टली क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे नेल्स मार्क किया गया था पहले, इन जो नेल्स की मार्किंग है वहाँ पे एग्जैक्टली इस वाले पॉइंट से 1100 mm के डिस्टेंस पे अगेन जो है नेल्स की मार्किंग की जाती है। नेल्स की मार्किंग कर लेने के बाद फिर से अगेन 525 mm के डिस्टेंस पे अगेन एक नेल्स की मार्किंग होगी। सेम ये जो कॉन्सेप्ट जो हम इस वाले लाइन पे कर रहे हैं वही सेम कॉन्सेप्ट से सेम डिस्टेंस से सारा का सारा जो नेल्स का मार्किंग है वो इस वाले लाइन पे भी किया जाता है। मतलब दोनों लाइन पे एग्जैक्टली आपकी नेल्स की मार्किंग हो जाएगी। नेल्स की मार्किंग हो जाने के बाद इस लेफ्ट साइड में भी हम लोग एग्जैक्टली जो हमको डायमेंशन दिया जाता है उसमें नेल्स की मार्किंग करेंगे। जैसे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे 1562 और यहाँ पे देख रहे होंगे 2900, ये डिस्टेंस क्लियरली ड्राइंग में मेंशन किया गया है। इसी डिस्टेंस पे हम लोग नेल्स की मार्किंग करते जाएंगे, वाइस वर्सा सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी नेल्स की मार्किंग होगी। तो इंजीनियर्स, नेल्स और थ्रेड्स की मार्किंग एक बार हो जाने के बाद हमको ये जो ग्रेड लाइन है जैसा आपको ड्राइंग में दिखाई दे रहा है एज इट इज़ सेम ग्रेड लाइन आपको यहाँ पे जो है साइड में दिखाई देता है, और एज इट इज़ जो सेम ग्रिड लाइन आपको मिलेगा इसका मतलब आपको इंटरसेक्शन भी इसका मिल चुका है। जैसा हम लोग देख रहे हैं इंजीनियर्स यहाँ पे A1 और A2 इस तरीके से जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये यहाँ पे जब आपको मिल जाता है, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ से A गया और यहाँ से 2 जो कि वर्टिकल लाइन है, जैसे ये आता है इंटरसेक्शन हमको मिलता है, इसी सेम इंटरसेक्शन पे हमको फुटिंग जो है प्लॉट करने की ज़रूरत होती है। अभी फुटिंग का साइज़ कितना होता है, तो फुटिंग के साइज़ के लिए जो आपका एक्सकेवेशन का क्राइटेरिया है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सकेवेशन का क्राइटेरिया जो कि आईएसपी सिंपल सा मेंशन करता है कि अगर आपकी एक्सकेवेशन की जो डेप्थ है वो 1.5 मीटर तक है तो हम लोग क्या करेंगे कि हर एक जो भी इसका विथ होगा फुटिंग का, चाहे जो इसका लेंथ होगा, उसमें ईच साइड 300 mm एक्स्ट्रा लेकर के एक्सकेवेशन किया जाता है। और वैसे ही अगर आपका जो डेप्थ है वो 1.5 मीटर से ज़्यादा है तो 750 mm एक्स्ट्रा यहाँ पे लेकर के इसमें जो है एक्सकेवेशन किया जाता है। तो इंजीनियर्स अगर हम लोग अपने केस में देखें, हमारे प्रोजेक्ट के केस में देखें, तो हम लोग अगर ध्यान से देखें तो हमारे ड्राइंग में दिया गया है कि यहाँ पे जो एक्सकेवेशन की डेप्थ है ये 1.5 मीटर की है। मतलब सिंपल है, आइस कोट के क्राइटेरिया के हिसाब से हमको 300 mm इसमें एक्स्ट्रा लेकर के करना पड़ेगा। तो इंजीनियर्स अगर हम ध्यान से देखें और समझें तो यहाँ पे आपको जो फुटिंग F1 और F2 दिखाई दे रहा है, जैसे अगर हम लोग फुटिंग F1 का साइज़ देखें तो ये 1800x1800 का है, और वैसे अगर हम लोग फुटिंग F2 के साइज़ देखें तो 1500x1500 का फुटिंग साइज़ दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इसको सिंपली से साइड में अगर समझना चाहें तो ये हमारा एक इंटरसेक्शन पॉइंट था जो हमने मार्क किया था, और यही जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसी से हमको लेफ्ट एंड राइट में मार्क करते हुए हमको फुटिंग का साइज़ भी मेंशन करना होता है। तो जैसा हमने समझा कि फुटिंग जो हमारा F1 का साइज़ 1800x1800 का था और हमारा जो इसका डेप्थ है 1.5 मीटर का था, तो 1.5 मीटर के डेप्थ होने की वजह से इस पर 300 mm हम लोग एक्स्ट्रा लेंगे। तो जैसे इंजीनियर्स अगर हम लोग फुटिंग F1 की बात करें तो फुटिंग F1 जो कि 1800x1800 का है और इसमें एक्सकेवेशन के क्राइटेरिया के हिसाब से अगर हम ऐड ऑन करें तो 300 mm ऐड ऑन करने से ये जो है दोनों साइड अगर ऐड ऑन होता है 1800 प्लस 300 और प्लस 300 तो इसमें टोटल ये आ जाता है 2400 का इसका विथ और 2400 की इसकी लेंथ हो जाती है। यही सेम जो आपकी लेंथ और विथ होती है ये हम लोग साइट में एग्जैक्टली मार्क करते हैं एक्सकेवेशन के लिए। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि जब आप एक्सकेवेशन करते हैं 300 mm बढ़ा करके तो आपको प्रॉपर एक वर्किंग एरिया मिल जाती है, जहाँ पे आप जब भी फुटिंग का कास्टिंग करेंगे तो आपको एक प्रॉपर ट्रेंच लगाने के लिए भी एक एरिया मिल जाता है, फॉर्मर का आसानी से इसमें लगा सकते हैं। तो इंजीनियर से सारे जो क्राइटेरियाज़ हैं ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे जो है आपको ट्रेनिंग के दौरान सिखाते हैं, ये सारे जितने भी क्राइटेरियाज़ होती है जो भी ये जो सेंटर लाइन का प्रोसीजर है सेंटर लाइन लेआउट करने का, ये हर एक चीज़ हम लोग ट्रेनिंग के दौरान सीखते जाते हैं। मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई है ये तो सिर्फ और सिर्फ 1% है हमारी ट्रेनिंग का। अगर ये जो आपने सेंटर लाइन लेआउट करना सीखा है तो एक इंजीनियर को और क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, सबसे पहले तो जब भी हम लोग सेंटर लाइन करते हैं तो सेंटर लाइन करने के बाद में आपको इसका प्रॉपर एस्टिमेशन आना चाहिए, इसके प्रॉपर आपको बिलिंग का नॉलेज होना चाहिए। इसमें जो है हम लोग जब BBS का पार्ट आ जाता है, मतलब जो बार बेंडिंग शेड्यूल होता है, कितनी कटिंग होगी, कितने कट करने के बाद में आपका जो जाली बिछाया जाएगा ये कितना होगा, ये हर एक चीज़ की नॉलेज आपको होनी चाहिए। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने आपको दिया हूँ अभी वो हमारी ट्रेनिंग का सिर्फ 1% है। अभी तो
ट्रेनिंग के और भी कई सारे पार्ट अभी आने को बाकी हैं, जो हम लोग वन बाय वन करके इस वीडियोस के माध्यम से भी लाएंगे। और इंजीनियर्स अगर आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आप पता करें कि आपका जो नियरेस्ट ब्रांच है ये कहाँ है। हमारे बहुत सारे ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया में, तो आपके नियरेस्ट ब्रांच को पता करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9111001234 पे, और इस नंबर पे कॉल करके आप अपने नियरेस्ट ब्रांच के बारे में पता कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द पता करें आपका नियरेस्ट ब्रांच कौन सा है और जल्दी से जल्दी ट्रेनिंग ज्वाइन करें। इंजीनियर्स आज जो आप जो है 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस कैंडिडेट जो होते हैं साइट में जाकर के जो चीज़ें सीखते हैं वो आप इन 2 महीनों में यहाँ पे सीखते हो, मतलब कि हर एक दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिस ना करें, जल्द से जल्द ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9111001234 पे, कॉल करें और अभी के अभी ट्रेनिंग ज्वाइन करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।